हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट एग्जाम दे के घर आ जाएंगे, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आएंगे, हो सकता है आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए। तो जब हम वहाँ पे कॉपी चेक करेंगे एग्जाम हॉल में, जब कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी में कुछ बच्चे ना 2-3 पेज भर पाते हैं, कोई बच्चे 3-4 पेज में रह जाते हैं, कोई बच्चे 5-6 पेज भरा रहता है, बहुत से पेज खाली छूट जाता है। कॉपी का, आंसर शीट का बहुत से पेज सादा रह जाता है, खाली छूट जाता है, ठीक है। वैसा विद्यार्थी बहुत कम नंबर से पास होता है, कोई कोई फेल भी हो जाता है, ठीक है, मेरे हाथों फेल हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में से बहुत कम क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आंसर दे के आते हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन उनका छूट जाता है, कॉपी भी खाली चला जाता है, बहुत से कॉपी का पेज सादा रह जाता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि छूटते हुए क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है एग्जाम में, और कॉपी का, आंसर शीट का बहुत से पेज कैसे वहां पे लिख के आएंगे, क्योंकि अगर आपका ज्यादा पेज खाली छूट जाएंगे एग्जाम में, सादा रह जाएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे या तो बहुत कम नंबर से पास होंगे, ठीक है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन पेपर, आपको हम सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट का अच्छा दोस्त भी हूँ, ठीक है, आपका फ्रेंड हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों मेरा कोई फ्रेंड फेल हो जाए, कम नंबर से पास हुए, ठीक है। एक टीचर कभी भी नहीं चाहता, एक अच्छे टीचर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई बच्चा फेल हुए, कम नंबर पास हुए, ठीक है। वो चाहता है बच्चा एकदम बहुत अच्छा से पास करे, एकदम बेहतरीन नंबर से पास करे, ठीक है। तो मैं आपका फ्रेंड भी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में आपका कॉपी बहुत से खाली रह जाते हैं, नहीं भर पाते हैं, क्वेश्चन पेपर का बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं जानते हैं उनका उत्तर, तो कैसे लिखेंगे कॉपी में। कुल मिला के अगर बोलें कि क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते रहेंगे, ये प्रश्न पेपर में जो जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते रहेंगे, तो उनको कैसे कॉपी में लिखेंगे, आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नंबर हासिल कर पाए एग्जामिनर के द्वारा, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ये रहा एक क्वेश्चन पेपर आपको सिखाएंगे, और ये रहा एक आंसर शीट, ठीक है। आंसर शीट, इस बच्चे का आंसर शीट देखिए, मात्र 4 पेज इन्होंने भरा है, ठीक है, 4 पेज ही लिखा है, बाकी पेज इनका सादा रह गया, खाली रह गया। बताओ ऐसे बच्चे को कैसे हम पास कर सकते हैं, बहुत से इनका नंबर कट हो गया, और कट होते होते अगर पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा कट हो गए तो ये फेल हो गए, समझे ना। हाँ, इनका कितना आया है, 28 यानी 28 नंबर आया है, तो ये बच्चा फेल की गिनती में है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पेज भरना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कम पेज छूटे कॉपी का, ठीक है, और कोशिश करना है कि प्रश्न पेपर में जितने क्वेश्चन का, जितने प्रश्न का जवाब देने कहा गया है, उन सबको जवाब देना है, कोशिश करना है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानेंगे उनका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो चलिए सब कुछ सिखाते हैं, आइए बच्चे को दिखाया जाए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखकर समझ लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं एक टीचर हूँ, एग्जामिनर हूँ, आपका एग्जामिनर होने के साथ साथ आपका फैन भी हूँ, आपका फ्रेंड भी हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आंसर शीट। पहले आंसर शीट देखिए, इन बच्चे ने गलती क्या किया है, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत कम नंबर मिला है। देखिए, एक पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा, 4 पेज लिखा, अब बाकी इनका बहुत से पेज सादा रह गया, आप देख सकते हैं। तो इन 4 पेज इन्होंने लिखा है, अब 4 पेज में से आंसर सही होगा, गलत होगा, कट छांट होगा नंबर, कट छांट करके नंबर बताओ कितना मिलेगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स मुश्किल से मिलेगा, तो ये बच्चा फेल हो गया। तो आपको हम ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि देखिए, ये बच्चा का क्यों ज्यादा मतलब कि कॉपी इन्होंने नहीं लिख सका, क्योंकि ये नहीं जानता होगा, जो जो जानता है आंसर वो लिखा, जो नहीं जानता है खाली छोड़ के आ गया, सफेद छोड़ के आ गया, सादा पेज छोड़ के आ गया। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना, आपको क्या करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस बच्चे के जैसा करना है, इस बच्चे ने क्या किया कि जो जो क्वेश्चन का आंसर जानता था वो लिख दिया, लेकिन जो जो नहीं जानता था वो नहीं लिखा। लेकिन आपको क्या करना कि आप जो जो प्रश्न पेपर में उत्तर जानते रहेंगे उनका आंसर लिखेंगे, और जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे उनका भी आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको लिखना है, कैसे लिखना हम बताएंगे आपको। पहले देखिए, मान लीजिए कि प्रश्न पेपर में तो बहुत से प्रश्न रहते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत से प्रश्न रहते हैं, तो इन प्रश्न में से
आप कुछ तो आंसर जानते होंगे, बहुत से प्रश्न का आंसर जानते होंगे, बहुत से प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो मत लिखो भाई, जो जानते हैं वही लिखो ना, मतलब कि जो जो प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं सबसे पहले उन्हीं प्रश्न का उत्तर आंसर शीट में लिखना है बाबू, समझ रहे हैं ना। फिर से हम बताते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है प्रश्न पेपर के साथ कि जो जो प्रश्न का उत्तर आप जानते रहेंगे, अच्छे से जानते रहेंगे, उन्हीं का सबसे पहले आंसर शीट के शुरुआती पेज में, एक पेज, दो पेज, तीन पेज में लिखना है। इससे क्या होगा, इससे कट क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि आप उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते रहेंगे तो भला कट क्रॉस क्यों हुए, नहीं होंगे, तो एग्जामिनर देखेंगे हाँ बच्चे ने, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जाएंगे। अब कहेंगे सर जो जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे उनका क्या करेंगे, तो वही इस वीडियो में आपको हम बताने आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सदा खाली छोड़ देता है, तो खाली छोड़ेंगे कितना मिलेगा बताओ, जीरो नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, तो क्या फायदा खाली छोड़ने से भाई। एक मैं तो खुद कहता हूँ भाई कि क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए, अनाप शनाप लिखोगे तो जीरो नंबर मिलेगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो देखिए मान लीजिए आपने जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो दे दिया, अब मान लीजिए जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते हैं, दिखाया जाए बच्चे को, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत था, एक पल के लिए मान लीजिए आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है आप नहीं जानते हैं, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए मान लीजिए आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं एग्जाम्पल देके, ठीक है, आप ये भी नहीं जानते हैं भाई, चलो एक पल के लिए मान लो कि दो ऊर्जा स्रोतों का ही नाम लिखे, आप ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, तब तो एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे इस बच्चे की तरह, जो इस बच्चे ने जो गलती किया है, लेकिन आपको कैसे लिखना है ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो चलिए आपको सब कुछ सिखाता हूँ। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव दिया है तब तो ऑब्जेक्टिव में खोजना है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए पहले इसमें हम ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद इसमें ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, देखिए चलिए विद्युत मोटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, कुछ भी खोजिए आ जाइए स्टार्टिंग में, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर कहीं है क्या, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर आपको खोजना है, इससे रिलेटेड कुछ भी मिल जाए तो चलेगा, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, देखिए यहाँ पे मिला ना, देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, चार गो ऑप्शन है, अब ऑप्शन में से अगर आप कोई ऑप्शन जानते हैं सही ऑप्शन तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, बताऊंगा वो कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर शीट लेना है, आंसर शीट में जो जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, आपको इस तरह लिखना है, हम आपको यहाँ पे पहले से लिख के बता रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए पहले तो आंसर शीट में इस तरह तैयार कर लेना, ब्लैक पेन से इस तरह लिखना, प्रश्न संख्या 7, क्योंकि ये 7 है, दिखाया जाए यहाँ पे, देखिए 7 है ना, 7 का उत्तर देंगे, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले, ये लिखने से पहले आप प्रश्न पेपर के जो जो प्रश्न का उत्तर जानते हैं सबसे पहले उनको लिख लेना है, उसके बाद ये सब करना है, ठीक है। उसके बाद किसका आंसर दे रहे हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, उसके बाद हम इस तरह से लिख लेंगे प्रश्न, यहाँ पे लिखें, इसके बाद लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत, अब यहाँ पे अपने में से हुआ सिद्धांत है, जो जो के बाद आपको दिमाग लगाना है, देखिए क्या लगाना है, जो के बाद आपको यहाँ पे देखिए कौन सा सही ऑप्शन है, ये है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उससे ही विद्युत मोटर कहता है, ठीक है, क्योंकि सिद्धांत पूछ रहा है, क्योंकि विद्युत मोटर रिलेटेड जो भी मिल जाए इसको लिख देंगे, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद आपको इसके आगे और भी ऑब्जेक्टिव खोजना है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, उसको भी उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता इससे रिलेटेड तब आपको क्या करना है ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, तो जो जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे और भी लिख देंगे, और लास्ट में लिखना है तो इसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलता या क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए बच्चों इस कंडीशन में आपको विद्युत मोटर रिलेटेड जो है ना, विद्युत मोटर रिलेटेड आपको कुछ तो याद होगा भाई,
क्या याद होगा, विद्युत मोटर का कार्य हो सकता है याद, इससे रिलेटेड लिख देना है, ठीक है। विद्युत मोटर का परिभाषा याद हो सकता है, और नहीं होगा तो कुछ तो याद होगा, जैसे विद्युत जनित्र का कार्य होगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत याद होगा, कुछ तो इससे रिलेटेड होगा ना, विद्युत मोटर से कुछ तो रिलेटेड याद होगा, उसको लिख देना है। और अगर वो भी याद नहीं है तो विद्युत मोटर किस चैप्टर में पूछा गया है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर याद है, तो उसको भी उठा के यहाँ पर लिख देना है, और लास्ट में लिख देंगे तो इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन शुरुआत में लिख देना है विद्युत मोटर का सिद्धांत, वह सिद्धांत है जो, उसके बाद आपको जो भी इससे रिलेटेड याद है उसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर शुरुआती वाला पॉइंट एंड वाला पॉइंट देखता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह लकीर खींचना, एंड हो गया। अब इसमें ट्रिक लगाते हैं, इसमें दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें, मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसको खोजेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजिए, ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए हम खोज रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, अक्सर पूछा रहता है और नाम पूछा रहे, देखिए यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें, मतलब दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखना है। और यहाँ पे दिया क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, देखिए यहीं पे पकड़ने वाली बात है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, निम्न में मतलब नीचे जो दिया गया है, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो चार ऑप्शन है भाई, ये चार ऑप्शन ना चारों ऊर्जा स्रोत ही हैं, समझ में आई बात, ये चारों क्या है ऊर्जा स्रोत ही है। और क्वेश्चन में पूछा है कितना, दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें, मतलब दो को क्वेश्चन में पूछा है देने के लिए, हमको मिल गया चार को फ्री में, जबकि हम नहीं जानते थे, तो इन चार को में से कोई सा दो को उठा के लिख देना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, 8 है तो 8 का उत्तर, ठीक है। फिर दो ऊर्जा स्रोतों के नाम इस तरह तैयार करेंगे, फिर आंसर को लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कहाँ से, ये चार में से किन्हीं दो को उठा के लिख दिया हमने, भूतापीय ऊर्जा पवन ऊर्जा को लिख लिया, आप नाभिकीय ऊर्जा लिख सकते हैं, जैव मात्रा लिख सकते हैं, ठीक है। चार को में से किन्हीं दो को उठा के लिख दिया, तो इस तरह से आपको दिमाग लगा लगा के प्रत्येक प्रश्न के साथ करना है। इस तरह से आप जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उनके साथ ऐसा आइडिया लगाना है, ऐसा ट्रिक लगाना है जो हम इस वीडियो में आपको बताएं, तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। एग्जामिनर भी खुश हो गया कि चलो बच्चे ने सही सही लिखा है, आप भी खुश हो जाएंगे कि चलो हमको एग्जामिनर ने बहुत अच्छा नंबर दिया जबकि हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो ये रहा दिमाग का खेल, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुलशन शर्मा है। जो भी बच्चे की कॉपी मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत कम स्टूडेंट को फेल करता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पास कर देता हूँ, अच्छे खासे नंबर दे देता हूँ, मैं बहुत कम बच्चे को फेल करता हूँ, बहुत कम बच्चे की नंबर कट करता हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो मैं बहुत अच्छे नंबर आपको दूंगा, तो इसके लिए कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और रोल नंबर लिखिए और आपको कितना नंबर चाहिए ये भी लिखिए कॉमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये बच्चे का कॉपी मेरे पास आया है। तो अगर आपको इस वीडियो में बताए गए ट्रिक अच्छा लगा, आप मुझसे संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। और ये वीडियोस अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, कुछ तो नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला जैसा मुझे पता है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।